फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फेस लॉक अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है फेस लॉक में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फेस लॉक जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करने गए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा आपको साफ कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में ना नीचे आना है, यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज का, स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच पे टैप करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपने जो भी फेस लॉक लगा रखा है ना पहले वाला, उस पहले वाले फेस लॉक को डिलीट करके एक नया फेस लॉक आपको सेट कर लेना है। इससे भी फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन शो होता है फैक्ट्री डेटा रीसेट का, इसे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज में नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे नीचे ये रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके मोबाइल फोन की फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।